अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मसूद शमसी और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं किस तरीके से आप ग्राउंड अनलॉक कर सकते हैं, यानी स्टेडियम अनलॉक कर सकते हैं, किस तरीके से बैट्समैन की सेटिंग बदल सकते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड, बॉलर को बैट्समैन, बैट्समैन को बॉलर, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, और कैसे आप जो हैं सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लिए सबसे पहले बात बताता हूं कि आपको इसमें साइन इन करना होगा। जिस तरह से आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है साइन इन का, तो आप ओके साइन इन करने के लिए दबाइए, और इस तरीके से आपको गूगल प्ले गेम से डायरेक्ट साइन इन होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप एक भी जिस कोई भी अगर आपने 2-3 आईडी यूज़ कर रखी हैं तो आप उसमें से कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा अपनी सेकेंड आईडी, और देखिए इस तरीके से साइन इन हो रहा है, और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा गेम साइन इन हो चुका है। साइन इन होने के बाद ही आप कोई अनलॉक कर सकते हैं, या ग्राउंड या स्टेडियम इसमें अनलॉक कर। सबसे पहले आप देखिए कि नीचे की तरफ या लेफ्ट साइड में स्टोर का होगा, तो चेक आउट लिखा है, इसको ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर कॉम्बो है, फ्री कोइंस हैं, स्टेडियम है, और टूर्नामेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये चीज़ है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि स्टेडियम अनलॉक करते हैं तो आपको 2 लाख कोइंस की खर्च करना पड़ेंगे, और आपके कोइन जो है कितने हैं ये आप राइट साइड में ऊपर वाले कॉर्नर में देख सकते हैं इस जगह पे। तो ठीक है, आपको स्टेडियम अनलॉक करके दिखाते हैं। इन्फो पे जाइए, इन्फो पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने स्टेडियम अनलॉक होंगे। कोलकाता, फैसलाबाद, लंदन, सिडनी, कोलम, मेलबर्न, कैप्टन, हरारे, ये सारे स्टेडियम हैं। लगभग कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप सिंगल अनलॉक करते हैं तो 50,000 कॉइन लगेंगे, और आपको मतलब 20 दे रहा है 2 लाख में, तो ये अच्छा है। तो मैं अनलॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए प्रोसेस चालू हो गया है और ये अनलॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों, पीछे चलते हैं, अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, जैसे 5 ओवर का गेम लेते हैं और हार्ट कोई भी चूज़ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जर्सी चेंज कर सकते हैं, जर्सी का कोई भी कलर ले सकते हैं। राइट साइड में जर्सी लिखा है ऊपर में, और लेफ्ट राइट हैंड तरफ तो आपको जो है जर्सी के कलर दिखेंगे। ये देखिए मैं चूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा जहाँ पे अंगूठा टच कर रहा है वहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे पैटर्न आप ले सकते हैं, 1, 2, 3 जितने सारे पैटर्न हैं, तो 8 तक पैटर्न हैं। पैटर्न कलर आप बदल सकते हैं, और ऐसे सीरीज मतलब पैड और पैड वगैरह बदल सकते हैं। और आप देखिए नीचे मोर कलर है, तो आप जो है किस तरीके से घुमा के भी कर सकते हैं। तो ठीक है, स्किन बदल सकते हैं, गोरा काला कर सकते हैं, तो ओके करते हैं। और देखिए ये सारे अनलॉक हो चुके हैं। तो अगर आप अनलॉक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ये वाला करा है कोलकाता वाला, तो इसमें आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। जब आप इसको ओके कर देंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए स्टेडियम डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, हमारा स्टेडियम डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि प्लेयर्स को कैसे हम बैट्समैन से बॉलर और बॉलर से बैट्समैन बना सकते हैं। तो जिस तरह के इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, तो मेरी टीम हमेशा लेफ्ट हैंड पे रहती है, तो शिखर धवन को लेता हूँ। और शिखर धवन देखिए लेफ्ट हैंड में है, तो मैं अगर इनको कैप्टन भी बना सकता हूँ, विकेट कीपर भी बना सकता हूँ। लेफ्ट हैंड है तो मैं राइट कर सकता हूँ। इनका बैटिंग स्किल नहीं बढ़ा सकते हैं, ये अलग ट्रिक है। और इनको जो राइट साइड में जो ऑप्शन है, इनका नाम भी बदल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं शिखर धवन की जगह कुछ भी मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मसूद, ठीक है, नाम भी बदल सकते हैं। और ये देखिए इनको बॉलर मतलब इसमें बॉलर बनाया है शिखर धवन नॉन, तो आप फास्ट बॉलर भी बना सकते हैं, राइट लेफ्ट भी बना सकते हैं, राइट हैंड का लेफ्ट यहाँ पे राइट लेफ्ट ऐसे करके जो भी बना सकते हैं, मीडियम फास्ट लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर। तो ठीक है दोस्तों, ये था अनलॉक करने का, और प्लेयर्स की सेटिंग, उनके उनकी ड्रेसेस, उनके स्किन कलर को बदलने के बारे में मैंने आपको फटाफट बताया है। अगर आपकी थोड़ा सा रह गया है कुछ, तो आप दोबारा वीडियो
पीछे की तरफ रिवाइंड करके देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया ही होगा। इंशाल्लाह जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।